एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब मेघना। तो आज जो वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो है, एंड इस रिव्यू वीडियो में मैं बात करूंगी मेकअप रेवोल्यूशन की विंटेज लेस इंटेंस क्रीम टू पाउडर ब्लशर। इस पैलेट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल डियर, देन प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, एंड एक लाइक बटन जरूर दे देना। तो चलिए देखते हैं इस ब्लश पैलेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग में और इसकी प्राइस में। इसकी प्राइस है 1350, लेकिन मैंने इसे डिस्काउंट में लिया था, एंड काफ़ी हद तक इसका डिस्काउंट चल रहा था मिंत्रा में, एंड मुझे लगता है मैंने 850 या 860 इस बीच में मैंने इसे लिया था। पैकेजिंग इज क्वाइट गुड। ये रोज गोल्ड पैलेट में आपको मिलेगी, एंड इसमें चार शेड्स है, जैसे कि आप देख सकते हो चार शेड्स है। दिस इज़ द डार्केस्ट वन, दिस इज लाइटेस्ट वन, ये एक पीच लाइट पीच है, ये थोड़ा सा डार्क पीची काइंड ऑफ टोन है, ये पर्पलिश काइंड ऑफ टोन है, एंड ये पिंक काइंड ऑफ टोन है। मैं हाथ में स्वच करके दिखाती हूँ, एंड मैंने कोई ब्लशर नहीं लगाया है तो मैं आप लोगों के सामने ये लगा के भी दिखाऊंगी। वैसे 1350 का प्राइस है, प्राइस के मैं कहूँगी क्वाइट प्राइसी है, बिकॉज ओनली यू आर गेटिंग फोर ब्लशर्स। यस, अमाउंट इज क्वाइट गुड, क्योंकि आपको 20 ग्राम की प्रोडक्ट मिल रही है, एंड चार साल तक इसको यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग, बिकॉज किसी के पास एक ब्लशर तो नहीं होता है, एंड इसमें चार शेड्स है, तो चार साल इट्स रियली ग्रेट फॉर दैट। एंड इसमें पैराबिन है विच आई रियली डोंट लाइक, एंड ये चाइना, इट्स मेड इन चाइना। एंड एक बात कह दूँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरी लिपस्टिक यहाँ पे डार्क एंड यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी शूट किया है, मैंने आप लोगों के लिए दिखाया है कि मैक लिपस्टिक्स का ड्यूप, तो इस वजह से मैंने अभी भी नहीं उठाया है, बैक टू बैक शूट करी हूँ, घर वाले सब बीमार हैं, एंड आई रियली नीड टू फिनिश द शूटिंग वेरी फास्ट। एनी वे, तो क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है, यूके का ब्रांड है, उस हिसाब से तो ठीक है। पैकेजिंग में कुछ खास बात तो नहीं है, आप देख सकते हो प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड ऊपर से आप सारे के सारे शेड्स देख सकते हो, विच इज़ लाइक गुड थिंग, एंड इसमें कोई मिरर तो नहीं है, विच इज़ लाइक अ लिटिल बिट बैड थिंग आई वुड से। और इसको जब आप खोलोगे, और हाँ, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट इतनी छोटे छोटे, मुझे आई कैन नॉट रीड देम, बट आई रेड देम फ्रॉम नायका, तो अब भी वही कर सकते हो। तो ये है शेड्स, ये चार शेड्स हैं, आप देख सकते हो मैंने स्वच किया है, मैंने इसको एक्चुअली लगाया है, एंड ये एक महीने से ऊपर हो गया, मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ। इसका वजह है, अगर मैं इसे मतलब लेने के बाद तुरंत एक दो दिन के बाद अगर इसका रिव्यू वीडियो बनाती तो मैं कहती कि भैया इसको मत लो, गाइज डोंट बाय दिस वन, बिकॉज आई वॉज सो इरिटेटेड, एंड आई वॉज सो लाइक What is this blush palette is all about? इतना ज़्यादा shimmer था, इतना ज़्यादा shimmer था, कोई shape तो दिखाई नहीं दे रहा था initially, मुझे बस shimmers ही दिख रहा था। But guys, जब मैंने इसे like एक हफ्ता से ऊपर इसको try करके मैंने देखा, then I found that कि इतने सारे जो shimmers मुझे दिख रहे थे ले आने के बाद, वो सारे shimmers actually ऊपर ज़्यादा है, and नीचे के तरफ शिमर्स अब अगर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ नॉट अ मैट ब्लशर, बट इट्स काइंड ऑफ अ सैटिन फिनिश काइंड ऑफ ब्लशर, एंड इसको मैंने कम यूज़ किया है तो इसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा शिमर्स है। ये शेड्स बहुत पिगमेंटेड, बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेड, लाइक आई डोंट वॉन्ट माई ब्लश पैलेट टू बी सो पिगमेंटेड, क्योंकि इतना डिफिकल्ट हो जाता है लगाने में, क्योंकि यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ क्लाउन। सो पिगमेंटेशन इज टॉप नॉच, बट इट्स लाइक आई वुड से लाइक टू मच ऑल्सो, बट द कलर्स आर ब्यूटिफुल, सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, सभी स्किन टोन्स के लिए बढ़िया है, ये मैं कहूँगी। खास करके बहुत ज़्यादा अगर आपका स्किन टोन डार्क है, लाइक इफ़ यू आर दैट यमी चॉकलेटी काइंड ऑफ स्किन टोन, यू हैव दैट वन, देन गाइज दिस इज़ अ परफेक्ट ब्लश शेड फॉर यू। एंड बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन्स के लिए इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट आई थिंक टू फाइंड द परफेक्ट ब्लश शेड दैट विल रियली लुक यू नो एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड फैंटास्टिक ऑन योर स्किन टोन। तो ये वाला जो पर्पल वाला है, दिस विल बी परफेक्ट फॉर यू गाइज। सो लेट मी स्वॉच द शेड्स फॉर यू गाइज। दिस इज द डार्केस्ट वन, ये एक पर्पल शेड है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप इसको लगा सकते हो, एंड इस शेड को मैं नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि कितना भी हल्का
तरीके से मैं करूँ, इट विल शो अ वेरी वेरी ब्राइट ऑन माई स्किन टोन. तो या आई कैन यूज़ दिस एज माई आई शेडो. एंड नेक्स्ट जो शेड है ये एक पीच कलर है. दिस इज काइंड ऑफ पीच कलर, दिस वन. इसके बाद जो है ये एक पिंक एंड ब्राउन मिक्स्ड कलर है, दिस वन. एंड लास्ट में जो है ये एक गोल्डनिश पिंक कलर है, बाबी गोल्डनिश पिंक कलर है ये वाला. तो ये चार शेड्स है जैसे आप देख सकते हो, ये चार शेड्स है. आपके स्किन पे लगाने के बाद ये 4 से 5 घंटे तक ये रह जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे फिर से लगाना है. ये शेड्स इतने ज़्यादा समय तक रहते हैं. इनिशियली व्हेन यू बाय दिस पैलेट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पैलेट, तो आप ऊपर से जो भी मतलब शिमर्स है उसको बस डस्ट ऑफ कर दीजिएगा एंड उसके बाद लगा लीजिएगा. अब मैं इसको लगाने के लिए मैं कहती हूँ कि जैसे कि मेरे पास 2 ब्रश है, ज़्यादातर के मैं ब्लशर्स को लगाती हूँ इस टाइप के डेंस ब्लशर्स, मतलब ब्रश के साथ. ये डेंस है लेकिन आप सामने देखो ये इतना डेंस नहीं है, इतना फ्लफी नहीं है, काफ़ी मतलब कम डेंस है. इस टाइप की ब्लशर्स को लगाने के लिए, ओवरली पिगमेंटेड या टू मच पिगमेंटेड ब्लशर को लगाने के लिए इस टाइप की ब्रश अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू. तो मैं जैसे लगाऊंगी ये वाला पिंक शेड, तो इसको मैंने लिया है, इसमें किकबैक है, पाउडरी है, एंड स्माइल एंड देन यू अप्लाई इट. वैसे इसे लगाने के बाद मैं कहूँगी कि आप कोई हाइलाइटर मत लगाओ, बिकॉज दिस विल वर्क लाइक एन हाइलाइटर. मैंने बहुत कम लिया है, बहुत कम मतलब ना के बराबर. तब एकदम ना के बराबर लेने के बाद अगर आप सोच सकते हो कि इतना अच्छा ये लगता है स्किन पे, तो ज़्यादा आप लोगे तो क्या होगा. एंड दैट इज़ वाई आई वॉज सेइंग दैट यूज़ अ ब्रश विच इज़ नॉट डेंस, विच इज़ नॉट फ्लफी, ताकि बहुत कम आए. एंड इट्स काइंड ऑफ गिविंग मी अ शेड लाइक पिंक एंड दिस बिट ऑफ गोल्डन एंड दिस बिट ऑफ सिल्वरिश काइंड ऑफ टोन. यहाँ सब देख सकते हो जैसे कि हाइलाइटर्स लगाने के बाद एक हल्का सा जो मतलब हाईलाइट करने का मिलता है ना, वैसा ही ये लग रहा है. सो येस दैट इज इट. एंड आई थिंक दिस शेड विल लुक गॉर्जियस फॉर एनीवन. तो कहूँगी अगर आपको ब्लशर्स पसंद है एंड लिटिल बिट यू नो ड्यूअल क्रोम उस टाइप का सैटिन फिनिश ब्लशर पसंद है तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो. दिस इज क्वाइट गुड पैलेट, ट्रैवल फ्रेंडली है, अच्छा पैलेट है, आपके स्किन पे ये रहता है. कलर्स आर लाइक वेरी नाइसली आई थिंक सिलेक्टेड. एंड अगर आपको पर्पल कलर वो आप नहीं लगा सकते तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट एज एन आई शेडो एनी टाइम. और हाँ मैं ये कहूँगी दैट दिस पैलेट एज अ होल लुक्स ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि यहाँ पे लेस लेस जैसा भी काम किया हुआ है विच इज़ लाइक गिविंग इट अ वेरी ब्यूटिफुल यू नो फिनिशिंग काइंड ऑफ लुक. एंड बहुत अच्छा लगता है एंड रोज गोल्ड काइंड का है. एंड येस डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय दिस वन फ्रॉम माई साइड, इट्स लाइक a good blush palette I'll say. So yes guys, that's the end of this video and we are going to meet again in our next video. So till then, take care and bye.